Good morning, everyone. So, dear friends, we have to discuss हमें क्या क्या समझना है. ये 11 सिस्टम समझना है. ये 11 सिस्टम समझना है और इनकी सरफेस एनाटॉमी समझना है. सरफेस एनाटॉमी ऑफ दीज 11 सिस्टम. इन 11 सिस्टम की सरफेस एनाटॉमी समझना है. वी विल गो थ्रू विद दीज 11 सिस्टम्स. हम इन 11 सिस्टम से जाएंगे. स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों की बात की जाएगी. विल डिस्कस रिगार्डिंग द बोन्स इन द स्केलेटल सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम में मसल्स की बात की जाएगी. सो मस्कुलर सिस्टम इज कनेक्टेड विद द मसल्स एंड द मूवमेंट. लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ सर्कुलेशन और इम्यूनिटी की बात की जाएगी. रोग प्रतिकारक शक्ति की बात की जाएगी. सो लिम्फेटिक सिस्टम इज कनेक्टेड विद द इम्यूनिटी एंड लिम्फ सर्कुलेशन. रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स की बात की जाएगी. लंग्स की बीमारियों की बात की जाएगी और कैसे काम करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम. हाउ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज वर्किंग इन अवर बॉडी वी विल डिस्कस. द डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र की बात की जाएगी. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कनेक्टेड विद द डाइजेशन. सो विल डिस्कस स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन एंड हाउ द डाइजेशन इज गोइंग ऑन. इंटेगुमेंट्री सिस्टम में स्किन की बात की जाएगी. इट इज कनेक्टेड विद द स्किन. इंटेगुमेंट्री मीन्स स्किन, स्किन के रोग. सो दिस सिस्टम इज कनेक्टेड विद द स्किन डिजीज़. नर्वस सिस्टम मीन्स हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे. हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम, नर्व्स क्या करती है. और एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम की बात की जाएगी. हमारे शरीर में कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. उनसे निकलने वाले हॉर्मोन्स क्या क्या कंट्रोल करते हैं, क्यों थायराइड होता है, थायराइड क्या करता है. जैसे कि डायबिटीज, डायबिटीज एक हार्मोनल बीमारी है, एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारी है. सो इन द एंडोक्राइन सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसीज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक द पैनक्रियाज, लाइक द थायराइड. And the cardiovascular system is connected with the heart and the circulation. Cardiovascular system का संबंध हमारे heart से है, हमारे circulation के साथ है. Urinary system is connected with the urine and disease of the urinary system. Urine की कितनी कई बीमारियां होती उनसे संबंधित है, उनके बारे में discussion करेंगे. और reproductive system means genital parts. And the problem of the genital organs. Reproductive system में हम genital parts की बात करेंगे. So we will discuss surface anatomy. So let's start. तो चलिए start करते हैं. Let's start now. क्या दिख रहा है? ये नाभि है. This is the navel region. और नेवल रीजन मींस इट इज कॉल्ड अम्ब्लाइकस. अम्ब्लाइकस मींस नेवल रीजन. अम्ब्लाइकस का अर्थ है नेवल रीजन. और नाभि को ही हम अम्ब्लाइकस कहते हैं. और नाभि के आसपास का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं पेरी अम्ब्लाइकस. पेरी मींस आसपास. पेरी अम्ब्लाइकल रीजन. सो द नेवल रीजन इज कॉल्ड अम्ब्लाइकस एंड द रीजन अराउंड द नेवल That is called peri-umbilical region. So this is a very simple thing. Umbilical and the peri-umbilical region. तो पूरे पेट को हम चार भागों में बांट सकते हैं या फिर नौ भागों में बांट सकते हैं. पूरे पेट को या तो चार भागों में बांट सकते हैं, नौ भागों में बांट सकते हैं. So we can divide the whole abdomen either in the four parts. और इन द नाइन पार्ट्स. अगर हम पूरे पेट को चार भागों में बांटते हैं तो इसे बोलते हैं फोर क्वाड्रेंट या चार खड्डे. बोलते हैं चार खड्डे. एक दो तीन चार. अगर पेट को चार भागों में बांट दिया तो हम बोलते हैं चार खड्डे और चार फोसा और चार क्वाड्रेंट. तो
we divided the abdomen in four parts, so we are telling them four fossas or the four quadrants or the four ditch. So 1, 2, 3, and 4. And we can see one line is the vertical line coming from going from the umbilical region, and one line going horizontally from the umbilical region. एक line तो ऊपर से नीचे जाती है और umbilical region को cross करके जाती है, नाभि को cross करके जाती है, और दूसरी line भी horizontal जाती है नाभि को cross करके. इस तरह से चार part हो जाते हैं. इन चार part को कहते हैं चार खड्डे या चार quadrant. So one line coming vertically going through the umbilical region, one line going horizontally that also going through the umbilical region. So finally we have got four parts, that is called four quadrant and the four fossa. और अगर पेट को हमने नौ भाग में बांट दिया तो इस तरह से होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इवन वी कैन डिवाइड द एब्डोमेन इन नाइन पार्ट्स. हम इनकी बात करेंगे नाइन पार्ट्स की थोड़ी देर. तो पहले हम एक बार फोर की बात कर लेते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द फोर, देन वी आर कमिंग टू द नाइन, बिकॉज वी शुड हैव द प्रॉपर आइडिया अबाउट द नाइन quadrants. If we want to do the perfect practice, अगर हमको एक perfect practice करना है तो हमें इन पूरे के पूरे nine quadrants के बारे में पता होना चाहिए. और कौन से quadrant में कौन सा organ पाया जाता है, liver कहाँ होता है, gallbladder कहाँ होता है, छोटी बड़ी आंतें कहाँ पाई जाती हैं. क्योंकि जब patient बोलेगा कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि इसको liver में दर्द है या इसको pancreas में दर्द है. So we should have the proper idea about all the nine quadrants. So when patient is telling you that I am having pain here, so you can find out, okay, this pain is connected with the pancreas or this pain connected with the small intestine. So we should have the right idea of the organs, of the abdominal organs. So पहले हम चार की बात करते हैं, फिर हम नौ की बात करेंगे. Let's discuss about the four, then we'll go to the nine. So nine parts simply can be divided in this way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nine parts को बांटना हो तो हम ऐसे बांट सकते हैं. So let's discuss about the four quadrant first. पहले हम चार quadrant की बात करते हैं. So quadrant means fossa. Quadrant को हम fossa भी कहते हैं, quadrant को हम गड्ढा भी कहते हैं, गड्ढा. अगर सामान्य भाषा में हम कहेंगे तो बोलेंगे पेट के चार खड्डे. अब बहुत ही सिंपल है, राइट अपर, बहुत ही सिंपल है, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर, दैट्स इट. इनका यही मेडिकल नाम है. दिस इज द मेडिकल नेम, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर. और शॉर्ट में क्या बोलेंगे, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर, और जोड़ देंगे क्वाड्रेंट. सो राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, दीज आर द फोर क्वाड्रेंट्स. सो दीज आर वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, द राइट अपर क्वाड्रेंट. सो दिस इज द राइट अपर क्वाड्रेंट. सो राइट साइड क्वाड्रेंट, राइट साइड अपर क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं कि राइट साइड का ऊपर का क्वाड्रेंट. और सिंपल भाषा में बोलेंगे कि राइट साइड का ऊपर का खड्डा, लेफ्ट साइड का ऊपर का खड्डा, राइट साइड का नीचे का खड्डा और लेफ्ट साइड का नीचे का खड्डा, और सारे खड्डे का जो नाभि के आसपास है, नाभि बीचों बीच है. सो इन दिस वे द राइट अपर द एंड द क्वाड्रेंट एंड द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑन द राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, दीज आर द फोर चैम्बर्स. और इसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं. हमने कहा कि फोसा का मतलब खड्डा होता है, सो इवन वी कैन टेल देम राइट अपर फोसा, हम फोसा भी कह सकते हैं, लेफ्ट अपर फोसा,
राइट लोअर फोसा एंड लेफ्ट लोअर फोसा, ये हमारा मन है। हमने कुछ भी फोसा बोल दिया, खड्डा बोल दिया, क्वाड्रेंट बोल दिया। सो इन दिस वे द होल एब्डोमेन कैन बी डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स। हम बोलेंगे राइट साइड का ऊपर का खड्डा राइट अपर फोसा और राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर फोसा और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर फोसा और द राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर फोसा और द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। और ये सेंटर में क्या है? सेंटर में है अम्ब्लाइकस, अम्ब्लाइकस, अम्ब्लाइकल रीजन। ओके, तो जब पेशेंट की रिपोर्ट हम देखते हैं, रिपोर्ट में लिखा होता है द पेन इन द अम्ब्लाइकल, पेन इन अम्ब्लाइकल, इसका तो अर्थ हो गया कि उसके अम्ब्लाइकल रीजन में दर्द हो रहा है। जब किसी को अपेंडिक्स की तकलीफ होती है, जब किसी व्यक्ति के पेट में अपेंडिक्स का दर्द होता है, सो व्हेन समवन इज सफरिंग विद द पेन ऑफ अपेंडिक्स, सो पेन कमिंग टिल द अम्ब्लाइकल, सो इट इज रिटन इन द रिपोर्ट द पेन इज कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर। अब मान लो किसी, ये हमको एक मेडिकल लैंग्वेज में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे बताइए? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर किसी के यहां से दर्द उठ के यहां हो रहा है तो मेडिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? हाउ विल बी राइट इन द मेडिकल लैंग्वेज इफ द पेन स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड एंड कमिंग टिल द अम्ब्लाइकल विच इज हैपनिंग इन द एपेंडिसाइटिस। सो व्हेन समवन इज सफरिंग विद द एपेंडिसाइटिस, जब किसी को एपेंडिसाइटिस की तकलीफ होती है तो दर्द यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आता है, कैसे लिखेंगे इसको? हाउ विल बी राइट? परफेक्ट। सो इट इज रिटन द राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट टू द अम्ब्लाइकल रीजन। सो दिस इज रिटन इन द रिपोर्ट्स। Wonderful, very good. तो reports में ऐसा ही लिखा रहता है, the patient is suffering with the appendicitis and the pain is starting from the right left quadrant and coming till the umbilicus region. तो report में ऐसा ही लिखा होगा कि pain rising from the right or left. हाँ, pain कहां से start हो रहा है? पेन स्टार्ट हो रहा है राइट लेफ्ट फोसा से और कहां तक आ रहा है? अम्ब्लाइकल रीजन में। बस यही हमें समझ के लिख देना होता है। सो वी हैव टू राइट दिस ओनली। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अब एक पेशेंट आके बोलता है, द वन पेशेंट One patient is suffering with the pain of the kidney stone. एक patient को kidney stone का pain हो रहा है। One patient is suffering with the pain of the kidney stone. और उसकी report में लिखा हुआ है, look at here. In the report it is written, so right upper quadrant, left upper quadrant, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। एक पेशेंट को, द वन पेशेंट इज हैविंग किडनी स्टोन, लेफ्ट किडनी स्टोन। एक पेशेंट को लेफ्ट साइड में किडनी का स्टोन है और उसके, दिस इज द नेवल रीजन, द पेन हैपनिंग in this part. So what we are going to write in the medical language, hum kaise likhenge? How will we write in the medical language? Agar hum likhte hain ki pain in the left abdomen, it is not the medical language. Ye medical language nahi hoti. How will we write it? If the patient suffering with the left sided pain because of the kidney stone, how will we write it? Tell me. So we'll write the pain in the left
lower quadrant. Wonderful. Okay. One patient is suffering with the pain in the right kidney stone. अगर एक patient को right kidney के stone का दर्द हो रहा है तो कैसे लिखोगे बताओ? और उसको right side में पेट में दर्द है. The patient is suffering with the right sided abdominal pain because of the kidney stone. और patient right side में बोल रहा है मुझे दर्द हो रहा है. और जब भी kidney stone का patient आएगा बोलेगा कि मुझे पेट में दर्द है और पेशाब में जलन है. और पेट में दर्द होगा, पेशाब में जलन होगी और बोलेगा मुझे 3 साल पहले किडनी स्टोन हुआ था, मुझे 3 साल पहले किडनी स्टोन हुआ था. तो समझ जाओ से किडनी में स्टोन वापस हो गया है. सो द पेशेंट इज कंप्लेनिंग यू दैट आई एम हैविंग पेन इन द राइट एब्डोमिन एंड यूरिन इज वर्निंग, देन इट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ किडनी स्टोन. Wonderful, wonderful. So, warning urination, warning micturition. Wonderful. So now, अब हम अगला देखते हैं. एक patient को क्या है? One patient is suffering with a problem in the pancreas. Pancreas यहां होता है. One patient is suffering with a problem in the pancreas, and he is having pain in the pancreas. And the report it is written pancreatitis. उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि इस पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस है. तो आप कैसे लिखोगे? द पेशेंट हैविंग पेन इन द एब्डोमिन एंड द रिपोर्ट इट इज क्लियरली गिवन द पेशेंट इज सफरिंग विद द पैंक्रियाटाइटिस. आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? सो दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड. आप कैसे लिखोगे? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. The pain in the left upper quadrant. Person is suffering with the pancreatitis as per the and kindly correlate clinically. एक patient को pancreatitis की problem है, kindly correlate clinically. से clinically correlate करिए. आपने जब check किया left upper quadrant तो आपको वहां pain मिला, आपकी बात confirm हो गई. आपने आपकी बात एकदम कंफर्म हो गई. सो हैविंग द पेशेंट इज सफरिंग विद द पैंक्रियाटाइटिस. गॉट इट? सो इन दिस वे वी हैव टू रूल्ड आउट द कॉज. लेट्स सी. चलिए अब हम एक अगला पेशेंट देखते हैं. इन द रिपोर्ट इट इज रिटन, एक रिपोर्ट में लिखा है कि पेट की बीमारी है. पेट की बीमारी को कैसे खतरनाक लैंग्वेज में लिखा जाए वो मैं आपको बताता हूं. पेट की बीमारी को कैसे लिखा जाएगा कि जो नॉन मेडिकल वो तो घबरा ही जाए. देखिए GERD, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GERD? अब GERD का मतलब क्या है कौन बताएगा? What is the meaning of GERD? So this is the patient. Having pain in this area, because of the GERD. अब GERD का मतलब क्या होता है? GERD का मतलब है गैस्ट्रो मींस पेट. द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रो मींस स्टमक. इंटेरो मींस इंटेस्टाइन, मे बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन. आर का मतलब है रिफ्लक्स. रिफ्लक्स का मतलब ऊपर चढ़ना, कि पेट में जो लिक्विड है वो ऊपर चढ़ रहा है. पेट का एसिड ऊपर चढ़ रहा है. डिस्ट्रेस और डिसऑर्डर. सो गैस्ट्रो इंट्रो रिफ्लक्स. सॉरी कंफ्यूजन हो गया. आपने लिखा उसको देख के मैंने गड़बड़ लिया. सो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर और डिस्ट्रेस.
गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, गैस्ट्रो मीन्स पेट, द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रो मीन्स एब्डोमिन, इसोफेजियल मीन्स योर फूड पाइप रिफ्लक्स डिसऑर्डर, कि जब पेट का एसिड हमारे फूड पाइप में चढ़ता है तो उसे हम जीआरडी कहते हैं, पेशेंट को जलन होती है गले में, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और गला खट्टा हो जाता है, गले में बर्निंग होती है। सो इन दिस डिजीज, इन द गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर और डिसीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज एंड द पेशेंट इज सफरिंग विद द पेन हियर, पेशेंट को यहां पर दर्द है नाभि के ऊपर। नाउ हाउ विल यू राइट इट, टेल मी हाउ विल यू राइट इट, द पेशेंट इज सफरिंग विद द जीआरडी विद द पेन इन द एब्डोमिन हियर। एक पेशेंट को जीआरडी की तकलीफ है, हम कैसे इसे लिखेंगे? The patient is suffering with the gastroesophageal reflux disease and pain in the right and left upper quadrant. Right and left upper quadrant दोनों में तकलीफ है. The patient is suffering with the pain in the right and left upper quadrant, both the quadrant, दोनों quadrant में तकलीफ हो रही है. Got it? Perfect. Let's see next. When patient is suffering with the problem in the urinary bladder, with the problem in the urinary bladder, and pain plus burning in this whole lower abdominal part. एक पेशेंट को यूरिनरी ब्लैडर में पेन है, बर्निंग है और ये पूरे के पूरे लोअर पार्ट में उसे डिस्कम्फर्ट है। द पेशेंट इज फीलिंग डिस्कम्फर्ट इन द होल लोअर एब्डोमिनल पार्ट। हाउ विल यू राइट इट? अभी हम 9 क्वाड्रेंट तक आए ही नहीं है, अभी हाइपोगैस्ट्रियम की बात तो बाद में होगी, अम्बिलिकल की बात भी बाद में होगी, अभी तो सिर्फ क्वाड्रेंट की भाषा में बताना है। राइट नाउ यू हैव टू टेल इन जस्ट इन द लैंग्वेज ऑफ क्वाड्रेंट। So we can simply tell the person is suffering with the problem in the urinary bladder and the problem in the lower quadrant. That's it, lower quadrant. Hum bol sakte hain ki lower quadrant mein takleef hai. The person is suffering with the problem in the lower quadrant. So let's see now. Ab main aapko ek image dikhaunga. Let's see this image. Now we are moving to the 9 रीजन एट द एब्डोमिन। अब हम पेट को 9 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। नाउ वी आर डिवाइडिंग द एब्डोमिन इन 9 इक्वल पार्ट्स। अब हम पेट को 9 भागों में बांट रहे हैं। सो व्हेन वी डिवाइड द एब्डोमिन इन द 9 रीजंस, दिस इज कॉल्ड द 9 रीजंस ऑफ द एब्डोमिन और द 9 क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिन। अब हम इसे कहते हैं कि हमारे पेट के 9 भाग, 9 रीजन। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ड्रियम। कॉन्ड्रियम क्या होता है? कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ड्रियम? The meaning of chondrium is और सोचिए। So what is the meaning of chondrium as per your concept? कॉन्ड्रियम का अगर आपने सही अर्थ बताया तो मजा आ जाएगा।
देखो कॉन्ड्रियम तो बहुत फेमस शब्द है, कॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम का मतलब है कार्टिलेज, दैट्स इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ड्रियम? कॉन्ड्रियम का मतलब होता है कार्टिलेज, कहीं की भी कार्टिलेज हो। सो द मीनिंग ऑफ कॉन्ड्रियम इज जस्ट ए कार्टिलेज, जस्ट ए कार्टिलेज। सो लेट्स सी नाउ, सो इफ यू सी द रिब्स, अगर आप अपनी पसलियों को देखते हो, इफ यू आर लुकिंग द रिब्स, सो लेट्स सी द रिब्स हियर, आप अपनी पसलियों को देखिए, लुक एट द रिब्स हियर। आप अगर पसलियों को देखोगे तो पसलियों का ये जो भाग है ये कार्टिलेज है जो जुड़ा है कहां, आगे छाती की बोन से। ये पीछे का भाग तो हड्डी है, ये दिस इज द बोन्स, द बैक पार्ट ऑफ द रिब्स आर बोन्स, बट दिस पार्ट इज कॉल्ड कार्टिलेज एंड इट इज कनेक्टेड विद द चेस्ट बोन। ये हमारी छाती की हड्डी से जुड़ा हुआ भाग है, इसका नाम है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज को ही कॉन्ड्रियम कहते हैं। सो द मीनिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रियम। सो लेट्स द पार्ट बिलो द तो कार्टिलेज के नीचे के भाग को हमने बोल दिया हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम। सो लेट्स ड्रॉ द होल लाइन हियर। एक हमने रिब्स के लेबल पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, सो वी हैव मेड द वन लाइन ऑन द लेवल ऑफ रिब्स, सो दिस इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम, इसको हमने हाइपोकॉन्ड्रियम बोल दिया। ओके, बिकॉज दिस पार्ट इज जस्ट बिलो द कार्टिलेज, ये जो भाग है कार्टिलेज के ठीक नीचे है, इसलिए हमने इसको बोला हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम। नाउ लेट्स सी, नाउ लुक एट योर लंबर स्पाइन। हमारी लंबर स्पाइन कहां होती है? अगर आप अपनी लंबर स्पाइन को देखोगे, लंबर स्पाइन है लंबर वन, लंबर टू, लंबर थ्री, लंबर फोर एंड लंबर फाइव। गॉट इट? सो दिस इज अ लाइन, ऊपर का भाग तो ये कॉन्ड्रियम हो गया, कॉन्ड्रियम कॉन्ड्रियम, और ये बीच का भाग हो गया लंबर, ये लंबर, क्योंकि ये लंबर के लेवल पर है, दिस इज एट द लेवल ऑफ लंबर, तो इसको हमने लंबर बोल दिया। सो द राइट लंबर एंड द लेफ्ट लंबर, गॉट इट? नाउ अगर आप ये हड्डी को देखोगे, दिस इज द बोन, द नेम ऑफ दिस बोन इज इलियम, इस हड्डी का नाम है इलियम, तो इसे हमने बोल दिया राइट इलियम एंड द लेफ्ट इलियम। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, इट्स अ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स ड्रॉ द लाइंस हियर, चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट लाइन एट द लेवल ऑफ रिब्स, द सेकेंड लाइन एट द लेवल ऑफ द इलियम बोन, एट द लेवल ऑफ द इलियम बोन। तो हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, एक तो लाइन हमने जहां पर पसलियां खत्म होती है उसके नीचे से ड्रॉ की, और एक लाइन हमने ड्रॉ की हमारी इलियम बोन से, इलियम बोन के ट्यूबरकल से हमने एक लाइन ड्रॉ की, बस सिंपल हो गया। नाउ दिस इज द नेवल रीजन, ये नाभि है, ये नाभि है, दिस इज नेवल रीजन। सो नाउ ये वर्टिकल लाइन की मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, आई विल डिस्कस अबाउट दिस वर्टिकल लाइन। सो दिस इज कॉल्ड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, दिस इज कॉल्ड राइट लंबर, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लंबर एंड दिस इज कॉल्ड राइट इलियक फोशा एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट इलियक फोशा। और सेंटर का पार्ट है, इसको तो हम अम्बिलिकल ही बोलेंगे, दिस इज द अम्बिलिकल रीजन, और इसी भाग में हमारा पेट होता है,
अम्बिलिकल रीजन, और इसके ऊपर का भाग है, ऊपर बोलते हैं इपी, ऊपर के भाग को हमने बोला इपी और नीचे के भाग को हमने बोला हाइपो. द मीनिंग ऑफ इपी मीन्स अप एंड द मीनिंग ऑफ हाइपो मीन्स लो. इपी मीन्स इन द अपर पार्ट एंड हाइपो मीन्स इन द लोअर पार्ट. सो इपीगैस्ट्रियम, इपीगैस्ट्रियम एंड द हाइपोगैस्ट्रियम. लेट्स सी वंस अगेन हियर. Look at here. तो हमने नौ भाग में डिवाइड कर दिया. We have divided into nine part. This is the umbilical region. This is the नाभि के ऊपर क्या बोलेंगे? नाभि के ऊपर बोलेंगे epi. नाभि के नीचे क्या बोलेंगे? नाभि के नीचे बोलेंगे hypo. So this is the epigastrium. This is the hypogastrium. Epigastrium and the hypogastrium. गैस्टर मीन्स पेट, गैस्टर मीन्स स्टमक. गैस्टर का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ गैस्टर विल बी स्टमक. तो नाभि के ऊपर को बोला हमने इपीगैस्ट्रियम और नाभि के नीचे को बोला हमने हाइपोगैस्ट्रियम. इसी प्रकार से हमने इसे कहा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियम, राइट इलियक एंड द लेफ्ट इलियक. तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है. दिस इज अ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन. वन मिनट. This is a simple classification is going on. ये देखिए, ये classification पूरा समझ में आ गया आपको? अभी मैं जो दिखा रहा था वो आपको दिखाई दे रहा था क्या? Yes. तो चलिए बताइए, quickly बताइए. अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना होगा. I will give you a demo right now and you have to tell me. Give me only 2 minutes. I will do the practical demo. Yes, only 2 minutes. So now, I think, is it visible clearly to all of you? So let's see now. Visible? Visible? Yes, perfect. So let's see now. How to draw the lines? So this is the umbilical region. Ye nabhi hai. Isse hum kehte hain umbilical region.
So first line will draw at the lower level of this ribs. This is the lower level of ribs. We can feel the ribs, lower level. So first line will draw like this. From the lower level of ribs. And this is the ilium bone. तो पहली लाइन तो हमने रिब्स के लोअर लेवल से ड्रॉ कर दी और ये हमारी इलियम बोन है, ये हमारी इलियक बोन है और इलियक बोन, ये पूरी इलियक बोन है, ये इलियक बोन का ट्यूबरकल है. दिस इज द ट्यूबरकल ऑफ द इलियम बोन. सो विल ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द ट्यूबरकल ऑफ द इलियम लाइक दिस. डन. सो नाउ अब वर्टिकल लाइन की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द वर्टिकल लाइन्स. So this is the clavicle. ये हमारा clavicle है. This is the collar bone. ये collar bone है. So the midpoint of the collar bone. This is the midpoint of the collar bone. अगर हम collar bone को नाप लें, कितनी लंबी collar bone है? Collar bone start from here and goes till here. This is the collar bone. And this is the midpoint of the collar bone. So from the midpoint of the collar bone, we are drawing the vertical line. मिडपॉइंट ऑफ द कॉलर बोन से और यहां भी मिडपॉइंट ऑफ द कॉलर बोन से वी आर ड्रॉइंग द वर्टिकल लाइन. ये मिडपॉइंट ऑफ द कॉलर बोन से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं. सो इन दिस वे दिस इज द अम्बिलिकल रीजन. इसे हम कहते हैं अम्बिलिकल रीजन एंड दिस इज कॉल्ड इपीगैस्ट्रियम. इसका नाम है इपीगैस्ट्रियम. EPI. ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं epigastria. This is called epigastria. ये केवल इतना ही भाग है, ऊपर तक नहीं है. ये तो हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए बनाया है. So this is called umbilical region and this is called epigastrium. इसे हम कहते हैं epigastrium. Epigastric region, umbilical region and the hypogastrium. और इसका नाम है This part is called right hypochondrium. इसमें हमारा लिवर वगैरह gallbladder वगैरह आएगा. And this is called left hypochondrium. So in the left hypochondrium we have spleen and pancreas. Left hypochondrium में spleen और pancreas होता है. और नाभि के लेवल पर यह आएगा right lumbar and the left lumbar because इसके पीछे ही हमारी lumbar vertebrae हैं. So this is right lumbar and this is the left lumbar. So right lumbar, umbilical region and the left lumbar. और ये नीचे वाला भाग है, इसे हम बोलेंगे iliac, iliac fossa. ये हमारा right iliac region and the left iliac region. तो इस तरह से we have divided whole abdomen in the 9 quadrants. तो हमारा liver gallbladder इधर आएगा, हमारा pancreas इधर आएगा. The pancreas and spleen इधर आ जाएगा. So the liver gallbladder will be this side, pancreas, spleen will be this side, and this will be the stomach region. Stomach region will be here. Urinary bladder will be here. Urinary bladder यहाँ पर आ जाएगा. तो जब हमारा intestine ऐसे ऊपर जाता है, so appendix will be here, near about here. Appendix will be here. Got it? So in this way, remember these 9 lines. So in this way. हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी सबसे नीचे की पसली से स्टार्ट होती है. ओके, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल जहां हमारी ये सबसे नीचे की पसली खत्म होगी, जहां हमारी सबसे नीचे की पसली खत्म होगी उसके लेवल से ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट होती है. द अपर हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट फ्रॉम वेयर अवर दिस लास्ट रिब इज एंडिंग. और नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी इलियक बोन से स्टार्ट होती है. इलियक बोन यानी हिप बोन के थोड़ा सा नीचे से, क्योंकि इलियक बोन के एकदम टॉप पार्ट से नहीं, थोड़ा सा नीचे से, क्योंकि इलियक ट्यूबरकल थोड़ा नीचे होता है. अब मैं आपको इस इमेज में दिखा देता हूं. हाइपोगैस्ट्रियम, गैस्ट्रियम, आई विल शो यू, यू कैन सी द स्पेलिंग्स, लुक एट हियर. सो गो थ्रू विद ऑल 9 पार्ट्स एंड डू द करेक्शन इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. Look at here. पूरे के पूरे 9 parts यहां पर है.
राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, और बीच में है अम्बिलिकल रीजन, ऊपर है एपिगैस्ट्रिक रीजन और नीचे हाइपोगैस्ट्रियम और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, वो एक ही बात होती है। तो इनको हम कहते हैं नाइन रीजन ऑफ द एब्डोमिन। नाउ लेट्स सी, नाउ इनको शॉर्टकट में हम ऐसा बोलते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक फोसा, फोसा भी बोलते हैं, हमने कहा आपको लेफ्ट इलियक फोसा, एंड यू मीन्स अम्बिलिकल, ई मीन्स एपिगैस्ट्रियम, एच मीन्स हाइपोगैस्ट्रियम। तो इनको हम बोलते हैं नाइन रीजन ऑफ द एब्डोमिन। अब देखिए कि किसी को हेपेटाइटिस होगी तो यहां दर्द होगा, लिवर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, इफ समवन इज सफरिंग विद द लिवर डिसऑर्डर, हेपेटाइटिस, हेपेटिक एब्सेस और एनी प्रॉब्लम इन द लिवर, गॉल स्टोन, देन पेन विल बी दिस साइड। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी लिवर की तो इस तरफ दर्द होगा, और पैंक्रियाज की प्रॉब्लम होगी या स्प्लीन की प्रॉब्लम होगी तो इधर दर्द होगा। इफ एनीवन इज सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द पैंक्रियाज, लाइक पैंक्रियाटिस, पैंक्रियाटाइटिस, द प्रॉब्लम इन द स्प्लीन, जैसे स्प्लीन में रप्चर हो जाए या पैंक्रियाटाइटिस हो जाए तो दर्द यहां होगा। किडनी स्टोन का दर्द है तो राइट किडनी स्टोन का दर्द यहां होगा और लेफ्ट किडनी का दर्द यहां होगा। सो द राइट साइड किडनी प्रॉब्लम विल बी पेन इन द राइट लंबर एंड द लेफ्ट साइड विल बी इन द लेफ्ट लंबर, और पेट में तकलीफें होंगी तो बीच में दर्द होगा। हम देख सकते हैं पेट में दर्द होगा तो बीच में तकलीफ होगी। सो लुक एट दिस इमेज वंस अगेन। यहां पर देखिए हेपेटाइटिस, गॉल स्टोन, कॉलिंजाइटिस, ये कॉलिंजाइटिस का मतलब होता है कॉलिंजाइटिस यानी गॉल बैडर की बीमारी, गॉल बैडर कोई हम कॉली बोलते हैं कॉली, और कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब होता है कि देखो कॉलीसिस्टाइटिस मीन्स गॉल बैडर की थैली में कोई इंफ्लेमेशन हो जाना। तो लिवर गॉल बैडर की कोई भी तकलीफ होगी तो यहां दर्द होगा। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द लिवर एंड गॉल बैडर then person will be having pain this side. If the problem in the spleen, the problem will be this side. If the problem in the kidney, pain will be here. If the problem in the kidney, pain will be here. So liver or gallbladder, हमने spleen का देख लिया और हमने kidney का भी देख लिया। Right kidney में तकलीफ है तो right side में होगा, left kidney में तकलीफ है तो left side में होगा। और पेट में तकलीफ है, हमने आपको बताया किसी को appendicitis का दर्द है तो नाभि तक आएगा। Appendicitis का pain इस एरिया में होता है, दिस एरिया इज अफेक्टेड विद appendicitis, दिस एरिया। बाकी पेट का दर्द आपको बीच में होगा। इफ द पेन इन द एब्डोमिन इट विल बी इन द सेंट्रल। यूरिनरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन यहां पर होगा, यूरिनरी ब्लैडर का इंफेक्शन यहां पर होगा। और इफ एनी फीमेल इज सफरिंग विद द ओवेरियन सिस्ट, अगर किसी फीमेल को ओवरी का दर्द है, इफ सम फीमेल इज सफरिंग विद द प्रॉब्लम इन द ओवरी, देन ओवेरियन सिस्ट पेन विल बी हियर। राइट साइड पेन विल बी फॉर बिकॉज ऑफ द राइट ओवरी एंड द लेफ्ट साइड पेन बिकॉज ऑफ द लेफ्ट ओवरी। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि किसको कहां तकलीफ है। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, द इंटेस्टाइन, our intestine is going like this, intestine is going like this, so this area also very sensitive for the intestine pain. Agar kisi ke colon mein, large intestine mein takleef hai to is area ko hum is area ko dekhte hain. let's see this, these are the all organs as per the nine quadrants. ye hum already samajh chuke hain to iske bare mein hum तो अल्टीमेटली हमने नाइन क्वाड्रेंट्स के बारे में समझा और ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। अब ये एक एक क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन किया है तो ये तो हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन आप समझ चुके हैं तो इस अब एक एक के बारे में बताने का कोई अर्थ नहीं है। ये हमने एक एक क्वाड्रेंट्स में सब कुछ बताया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में तकलीफ है तो लिवर गॉल बैडर के अलावा राइट किडनी
राइट किडनी का भी हमें थोड़ा सा विचार करना होगा। तो इस तरह से हमारा जो लक्ष्य था आज आपको बताना कि 9 quadrants को हम किस तरह से समझ सकते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? क्लियर? वंडरफुल। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अभी आपको जो भी एनरोल पार्टिसिपेंट होंगे, बाकी तो अभी हमारा 5 दिन फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जो भी एनरोल पार्टिसिपेंट है उनको मैं एक पीडीएफ देने वाला हूं कोर्स वेबसाइट में, आप उसको पढ़ लीजिए आज। तो हम कल क्विज करेंगे 9 quadrants के बारे में, वी विल डू द क्विज रिलेटेड विद द 9 quadrants। तो आपको रिप्लाई करना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन है, कौन सी प्रॉब्लम है, किस क्वाड्रेंट में दर्द होगा। तो आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, द सेम पीडीएफ जो भी अभी मैंने आपको शो किया। इसके लास्ट के बहुत सारे प्रश्न आपके काम के होंगे, बाकी रिकॉर्डिंग तो हम सबको देंगे, जो 5 दिन की रिकॉर्डिंग तो सबको देंगे, बाकी की रिकॉर्डिंग हम एनरोल पार्टिसिपेंट्स को देंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है अभी, और हमारा पर्पज है कि आपको एनाटॉमी पता होना चाहिए, चाहे आप किसी पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हो या फिर एग्जाम में पास होना चाहते हो, किसी भी पर्पज से एनाटॉमी तो हमें पता ही होना चाहिए और फिजियोलॉजी भी पता होना चाहिए थोड़ी बहुत। ओके,